इंतहाई काबिले एहतराम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों आप देख रहे हैं राइट पॉइंट और मैं हूं शिराज। दोस्तों इस वक्त JF-17 ब्लास्ट 3 के हवाले से जो खबर निकल कर सामने आ रही है, इस खबर को जानने के बाद यकीनन दुश्मन मुल्क भारत के होश उड़ने वाले हैं। जिस तरह से JF-17 ब्लॉक 2 ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, दुनिया इससे मुतासर होकर बराह रास्त पाकिस्तान से ये जंगी तैयारे खरीद रही है। दोस्तों हालिया दिनों अर्जेंटाइन की जानिब से ये खबर निकल कर सामने आई थी कि अर्जेंटाइन एयरफोर्स JF-17 को खरीदना चाहती है। इस हवाले से अर्जेंटाइन एयरफोर्स के चीफ ने इस वक्त ये कहा है कि JF-17 सस्ते और टेक्नोलॉजी में जदीद तैयारे हैं और JF-17 ये कैसा तैयारा है जो अर्जेंटाइन एयरफोर्स की जरूरतों पर पूरा उतर सकता है। दोस्तों अर्जेंटाइन एयरफोर्स के चीफ का कहना था कि JF-17 ज्यादा और खतरनाक हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। नाजरीन इस वक्त अर्जेंटाइन एयरफोर्स की जानिब से ये नहीं कहा गया कि वो ब्लॉक 2 या ब्लॉक 3 तैयारे खरीदेगी, लेकिन अब अर्जेंटाइन एयरफोर्स के चीफ ब्रिगेडियर असहाक ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि JF-17 ब्लॉक 3 बनावट के आखिरी मराहल में है, जो कि जदीद रडार और दूसरी खतरनाक टेक्नोलॉजी से लैस है। दोस्तों ब्लॉक 3 तैयारे ब्लॉक 2 के मुकाबले में लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकते हैं, इसलिए अर्जेंटाइन एयरफोर्स ने हतमी फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान से ब्लॉक 3 तैयारे खरीदेगी। दोस्तों इस खबर ने भारतीय और इनके गोदी मीडिया में आग लगा दी है। दोस्तों भारत से ब्लॉक 2 की मार्केट हाजम नहीं होती। आए दिन JF-17 ब्लॉक 2 की कोई ना कोई खराबी भारतीय मीडिया की जानिब से दुनिया के सामने पेश की जाती है, मगर फिर भी ब्लॉक 2 आर्मी मार्केट में अपनी वैल्यू को बरकरार रखे हुए है और बहुत से ममालिक पाकिस्तान से बराह रास्त ब्लॉक 2 तैयारे खरीद रहे हैं। दोस्तों ब्लॉक 2 के बाद पाकिस्तान को ब्लॉक 3 का भी ऑर्डर मिल गया और एक दावा निकल कर सामने आ रहा है कि अर्जेंटाइन एयरफोर्स बड़ी तादाद में पाकिस्तान से जंगी तैयारे खरीदेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज के नाम नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों इसके साथ ही इजाजत चाहूंगा, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगेबान।